अभी कढ़ाई बॉयज का मैं ज़रा सीन दिखाता हूँ, चेक करेंगे। यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पे दो जगह है, यहाँ पे राइट पे भी बैठ सकते हैं और फिर लेफ्ट पे। सो ये चेक करेंगे, यहाँ है कढ़ाई बॉयज का, ये स्पेशल नान होता है जिस तरह लाते हैं। दो टाइप की कढ़ाई से एक फोटो आ रही है और ये मटन की, ओहो मटन की ज़बरदस्त। इनके डिफरेंट ऑप्शंस थे, मटन में जर्सी कढ़ाई था, इसमें नमक था और पोटोहारी था। हमने नमक मंडी किया, ज़बरदस्त और बड़ी ख़तरनाक कढ़ाई है। मटन तो अच्छी है और चिकन उससे भी अच्छी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के, खैरियत से? भाई आज मैं आया हुआ हूँ कैलगरी के एक नामी ग्रामी रेस्टोरेंट कढ़ाई बॉयज। ना सिर्फ कैलगरी में बल्कि ये कनाडा में और ब्रांचेस भी हैं, एटलीस्ट टोरंटो में वहाँ से स्टार्ट हुआ था जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, और फिर यहाँ पे कैलगरी में ब्रांच है। पहले भी आ चुका हूँ, पहले मैं इनकी मटन कढ़ाई जो फेमस है, कढ़ाई मेली कढ़ाई बॉयज़ कढ़ाई के लिए फेमस है, तो इनकी, लेकिन जो टोरंटो में मैंने ट्राई की थी वो थी मटन कढ़ाई कढ़ाई, जो लास्ट टाइम लोग काफ़ी ग्रुप के साथ आए थे तो वो मैं ट्राई नहीं कर पाया था यहाँ पे कैलगरी की ब्रांच में। तो आज देखते हैं ज़रा मटन कढ़ाई को, चेक करते हैं कढ़ाई बॉयज़ पे। और लोकेशन बता दूँ, ये है कढ़ाई बॉयज़ की लोकेशन, ये वो ये जो कैसल रिज का एरिया है ब्लॉक में मौजूद है। अंदर चलते हैं कढ़ाई बॉयज। सभी कढ़ाई बॉयज का मैं ज़रा सीन दिखाता हूँ, चेक करेंगे। यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पे दो जगह है, यहाँ पे राइट पे भी बैठ सकते हैं और फिर लेफ्ट पे। यहाँ पे मेन्यू का ये है कि आप लोग यहाँ पे ये रखा होता है, स्कैन करें, फ़ोन पर मेन्यू आ जाएगा। ज़रा दिखाता हूँ ना, मुर्ग मखनी चिकन, ये देखें $25 की एक करीस है। कढ़ाई दिखो, ब्रंच मेन्यू है ये, तो ब्रंच मेन्यू कढ़ाई। हम लोग ज़रा स्पेशलिटी डिशेस पे जाएं, ये खड़ा कीमा है, आपको बीफ कबाब मिलेंगे, बिहारी बोटी, ये सारी चीज़ें। फिर टेक आउट स्पेशल्स है भाई, ये एपेटाइजर्स आ गए, फिश वगैरह, फ़िश पकौड़ा टाइप का, जिस तरह की चीज़ें। अब कढ़ाई देखें, मैं आपको प्राइस दिखा दें। ये बॉयस चिकन कढ़ाई हाफ जो है तकरीबन $30 की, $29 तक की है। पोटोहारी सब जो है ऑलमोस्ट $29-$30 की चिकन कढ़ाई है, लेकिन अगर आप बीफ पे आएँ, वो सॉरी मटन पे आएँ, नीचे गोट कढ़ाई ये आ गई, तो ये है 45 की हाफ और अबाउट 75 की फुल, और यही प्राइसेस है। इसमें तीन तरह की हैं, पोटोहारी, चर्सी और नमक मंडी। और भी वेजी कढ़ाई के भी आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, केबू लॉरी छोले हैं, पालक पनीर और बारबी के ऊपर प्लेटर्स में। ये आ गई प्राइसेस इनकी, $17.99, $18.99, ये सारी है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। हमने जो मंगवाया था ये मंगा, हमने गोश्त खोर प्लेटर मंगवाया। ओह अच्छा, ये $46। सो ये चेक करेंगे, यहाँ है कढ़ाई बॉयज का, ये स्पेशल नान होता है जिस तरह लाते हैं। दो टाइप की कढ़ाई से एक पोटोहारी और ये मटन की, ओहो मटन की ज़बरदस्त। हाँ हाँ भाई, फाज आए हुए भाई, कैसी क्या, कौन सी ट्राई किया हम? कढ़ाई मटन की है, मटन जर्सी, हाँ मटन और नमक मंडी, नमक मंडी बहुत मज़े की है, नमक मंडी। हाँ यार मुझे तो बड़ा मज़ा आया है, और इनके सीख कबाब बड़े मज़े के, प्लेटर की आई थिंक साथ ने की है, वो बड़ी ख़तरनाक कढ़ाई है। मटन तो अच्छी है और चिकन उससे भी अच्छी है, प्लेटर पोटवारी है चिकन और मटन नमक मंडी, उसके बाद प्लेटर है ज़बरदस्त कसम। मैं ज़रा ट्राई करता हूँ टोरंटो के बाद, अब जाके जो है ये मटन इनकी कढ़ाई, इनकी पोटवारी तो मैं ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मटन का हाथ डालते हैं, नमक मंडी मटन। जैसे मैंने बीफ तोड़ा, बीफ को पता चलता है कि जितनी आसानी से तोड़ता है उतना ही फ्रेश भी मीट होगा और फिर गला हुआ भी अच्छा होगा। जैसे मैंने तोड़ा तो फौरन टूटा, और इसका ले गए बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा टेस्ट है, और बीफ प्रॉपरली गला हुआ है। और इनके डिफरेंट ऑप्शंस थे, मटन में जर्सी कढ़ाई था, इसमें नमक था और पोटोहारी था। हमने नमक मंडी किया, ज़बरदस्त मज़े के। एक और ज़रा बीफ का मैं दिखा दूँ,
अगर आप लोग आए डेफिनेटली रिकमेंडेड है कि आप उनकी मटन कढ़ाई ट्राई करें, तो जबरदस्त उनके साथ पोटोहारी, पोटोहारी देखें चिकन है, और इनके यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम ट्राई की थी काफ़ी यूनिक थी, तो मतलब अच्छा सा चिकन का चंक और उसके साथ कड़ी इसमें वेरी नाइस, बहुत रिच फ्लेवर है और यूनिक है, जो कि आपको मे बी कैलोरी में बहुत कम मिलेगा या मे बी ना मिले, वेरी नाइस। एंड कढ़ाई इंजॉय करें, और इनकी नान इट्सेल्फ जिस तरह दिखने में यूनिक लग रही है और अच्छी है, सॉफ्ट है, मेरे को फ्रेश आई हो, उसके सलाम बारबेक्यू, बारबेक्यू हम लोग वैसे खाते रहते हैं, मैं ट्राई करूँगा फिर मैं आपको और बताऊँ, एंड में जो है बारबेक्यू ज़रा ट्राई करता हूँ मैं, सही है। तो बारबेक्यू में कबाब, कबाब इनका थोड़ा सा, कबाब जो है नॉर्मली सॉफ्ट होना चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे तोड़ने में ना मैंने टूट गया, इट्स गुड। बारबेक्यू मैं कहूँगा इट्स नॉर्मल, मतलब इनकी जो हाईलाइट है वो मटन कढ़ाई है, बारबेक्यू से नॉर्मल है। उसके अलावा चिकन का पीस है, चिकन, चिकन ज़रा ट्राई करते हैं, और चिकन जो है एज कम्पेयर टू जो कबाब आया वो सॉफ्टली टूटी है, बारबेक्यू मैं कहूँ सही है इनका, नॉट ऑन टॉप ऑफ एनीथिंग, बट ये क्यों कढ़ाई एंड में बची है, कढ़ाई में नहीं, कढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और एंड में कढ़ाई जो है खाना साफ करते हैं कढ़ाई से ही, कढ़ाई का खाने में तो वैसा कढ़ाई में ही है, जबरदस्त भाई मटन कढ़ाई जो है ना इनकी टॉप ऑफ द लाइन है और हाई राइट ऑफ कढ़ाई बॉय सब, अब आए खाएँ अबाउट $45 की जो प्राइस है जिससे मैंने आपको मेन्यू में दिखाई, लेकिन इट्स प्रीटी गुड। इसी नोट पे ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, ब्लॉग अच्छा लगा लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।